वेलकम, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं टुडेज साउथ, जहां होता है एंटरटेनमेंट की दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन। आपको बता दें कि रश्मिका मंदाना की युवा निर्देशक नेल्सन दिलीप कुमार के साथ अपनी आगामी फिल्म में विजय की रूमानी भूमिका निभाने की संभावना है। पिछले साल मास्टर की रिहाई से पहले ही विजय ने घोषणा की कि उन्होंने अपनी 65वीं फिल्म साइन की है। थालापति 65 शीर्षक से फिल्म इस साल अप्रैल में फर्श पर जाने के लिए तैयार है। बता दें कि प्रोडक्शन हाउस सन पिक्चर्स ने एक छोटी वीडियो के साथ फिल्म की घोषणा की। दरअसल खबर आ रही है कि लोकप्रिय अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को महिला प्रधान भूमिका निभाने के लिए संपर्क किया गया है। नेल्सन दिलीप कुमार ने हाल ही में हैदराबाद में अभिनेत्री से मुलाकात की और परियोजना के लिए उनके साथ सहयोग करने की संभावनाओं पर चर्चा की। हालांकि आधिकारिक घोषणा मार्च में ही की जाएगी। ऐसी भी खबर है कि निर्माताओं ने फिल्म में प्रतिपक्षी की भूमिका निभाने के लिए दक्षिण के लोकप्रिय कलाकारों के साथ बातचीत की है। बता दें कि एक्शन थ्रिलर बनने के लिए तैयार फिल्म के प्रमुख भाग विदेशों में शूट किए जाएंगे। यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि फिल्म में 2 महिला लीड है, जिनकी जल्द ही घोषणा की जाएगी। फिलहाल तो विजय निर्देशक लोकेश कंगराज के मास्टर की सफलता पर आधारित है। जेवियर ब्रिटो द्वारा निर्मित फिल्म सिनेमाघरों में पोंगल से एक दिन पहले 13 जनवरी को रिलीज हुई है। मास्टर एक शराबी प्रोफेसर के बारे में था, जो एक अवलोकन घर में एक शिक्षण भूमिका निभाता है, जो कि एक गैंगस्टर भवानी के नियंत्रण में है। यह पहली बार है जब विजय को विजय सेतुपति के खिलाफ खड़ा किया गया है। थैंक यू सो मच की वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।